रत्नाकर जी, आप करेला का बीज बोलिए, इसमें मैं आपका माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी मैं सबके माइक ऑफ कर दूंगा। नहीं सर, ठीक है, आप लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए, क्लास को डिस्टर्ब ना होने दीजिए, ठीक है। वहाँ तो बिल्कुल एग्जाम का समय चल रहा है और इस समय आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, जितना भी हो सके सीखने की कोशिश करिए। किसी का माइक वैसे डिस्टर्बेंस भी कर रहा है। बाय डिफॉल्ट माइक ऑफ करवा दीजिए सबका, जब जब तक आप मतलब अलाउ नहीं करेंगे कोई बात। चलो मैंने कर तो दिया है, लेकिन क्या करें, चलो कर दिया मैंने माइक, है ना। चलिए जी, हेलो, आवाज सबको क्लियर आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है, लेकिन कोई चीज कहीं पर। हेलो हेलो, चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक जीआईबी सीआईबी प्रमोशन बैंकिंग में जब तक आप रहेंगे तब तक इम्पोर्टेंट रहेगा। एक मिनट रुकेगा जरा। जेआईबी सीआईबी प्रमोशन, और जब तक आप बैंकिंग में हैं तब तक आपके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक जनरल लेमैन की तरह भी अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जितना आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट से वो लिंक होगा। जेआईबी के लिए 1 या 2 मार्क्स का है, लेकिन सीआईबी के लिए 5 मार्क्स तक जाता है अगर केस स्टडी आती है, अदरवाइज 1-2 मार्क्स का थ्योरी में वहां पर भी रहता है। जेआईबी में पीपीबी या एएफबी दोनों में पूछ सकता है, और सीआईबी में ये सेकंड पेपर बीएफएम का जो मॉड्यूल ए है उसमें यूनिट नंबर 3 में से है कुछ, और कुछ आगे की एक यूनिट है फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर, उसमें से है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर करेंगे तो सारी चीजें साफ होती जाएंगी आपको, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, थंबनेल पे लिखा हुआ था फॉरेक्स का टॉपिक है, ठीक है, फॉरेक्स अकाउंट के बारे में था। चलिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक ड्राइंग टाइप का कुछ बनाऊंगा। जब ड्राइंग टाइप का बनाऊंगा उसमें से आपको सारी चीजें जो हैं क्लियर होती हुई जाएंगी। अकाउंट के फीचर्स क्या होते हैं, कैसे खुलता है, कौन सी करेंसी होती है, किस तरह से हम आसानी से समझें। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा, ये आपको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, एक सेकंड वेट करिएगा। अभी शायद सबको स्क्रीन शेयर हो गई होगी। चलिए, तो जैसे मैंने बोला सीआईबी में यूनिट 3 नाम से है, करस्पोंडेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट, यानी एनआरआई अकाउंट तो है, लेकिन जब हम इसको आगे और एक आध चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ विदाउट एनआरआई भी ये अकाउंट्स यूज होते हैं, यानी कि जो हम लोग डोमेस्टिक पर्सन हैं उनके लिए भी, जो रेजिडेंट इंडियन हैं उनके लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एनआरआई कौन होता है। देखिए,
इंडिया में जो भी रह रहे हैं उनको हम बोलते हैं रेजिडेंट इंडियन, जो इंडिया में रह रहे हैं उनको हम बोलते हैं रेजिडेंट इंडियन। तो इसमें क्रक्स बात यह है कि इंडियन होना चाहिए और इंडिया में रह रहा होना चाहिए, दो बातें हैं। इंडियन हु इज लिविंग इन इंडिया तो उसको बोलते हैं रेजिडेंट इंडियन। अगर वो इंडिया में नहीं रह रहा लेकिन वो इंडियन है तो उसको बोलते हैं हम नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, या एनआरआई, इसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं, ठीक है। एनआरआई कौन होता है? अगर हम बात करें एनआरआई कौन होता है तो एनआरआई के लिए क्या है, यहां पे जैसे ये नेगेटिव डेफिनेशन में आता है नॉन रेजिडेंट, तो हम बोलते हैं नॉट लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर। यानी कोई भी बंदा एक फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज, तो अगर आप देखें 366 मैक्सिमम एक ईयर में डेज होते हैं, उसका हाफ अगर करते हैं तो 182 आता है, वो 183 आता है। इट मींस 182 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहा, तो इट मींस वो जो फॉरेन में रहा है उसका पीरियड वहां बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव डेफिनेशन में इसीलिए यहाँ पे नॉट से शुरू करते हैं, नॉट लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। तो जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहा इसका मतलब वो बाहर ज्यादा रहा है, तो उसको हम लोग एनआरआई बोलते हैं। और एनआरआई का जो जिक्र है एक तो आईटी एक्ट में है और एक फेमा में, दो जगह इसकी बात आती है। इनकम टैक्स एक्ट में क्यों है और फेमा में क्यों है? फेमा में इसलिए है कि जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से बेनिफिट एनआरआई को मिलते हैं नहीं मिलते वो चीज, और आईटी एक्ट में क्या है कि जो इनकम कमा के लाते हैं वो जो फॉरेन में जाके। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 182 डेज सिंगल या मल्टीपल में, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपका 80 है प्लस 90 है प्लस ऐसे करके ऐड करके भी, अगर मतलब पार्ट्स में भी, क्योंकि इसमें कंटिन्यू वाली कंडीशन नहीं है। उसका रीजन एक और बताता हूँ, जितने लोग गल्फ में जॉब करने जाते हैं उनका जॉब 28 28 चलता है, मीन्स 28 डेज वो जॉब में रहते हैं और 28 डेज वो ऑफ में रहते हैं यानी इंडिया आ जाते हैं, फिर 28 डेज जॉब में रहते हैं फिर 28 डेज इंडिया आ जाते हैं, इस तरह चलता है उनका काम, ठीक है। मतलब 1 महीना वहां काम करते हैं और 1 महीना घर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्या है कि एक ही स्लॉट में नहीं है, तो पार्शियल का टोटल अगर 182 डेज से ज्यादा आ रहा है बाहर बाहर रहने का तो भी। और इवन जो मर्चेंट नेवी में होते हैं, तो मर्चेंट नेवी में आपने देखा होगा वो जो छुट्टी आते हैं वो 6 मंथ की छुट्टी आते हैं और 6 मंथ में प्लस 1 डे भी नहीं करते हैं वो। अगर उन्होंने प्लस 1 डे इंडिया में कर दिया तो फिर उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या बात हुई यहाँ पे कि 6 मंथ से ज्यादा वो लोग जॉब में रहते हैं, लेकिन डेज की बात है, हमारे एक्ट में इसको डेज के अकॉर्डिंग किया हुआ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आईटी एक्ट में, आईटी एक्ट में जो भी इनकम वो फॉरेन में करते हैं फॉरेन लैंड में करते हैं और वो उसको इंडिया भेजते हैं उस इनकम को, तो उस इनकम पर टैक्स नहीं लगता। तो अगर मैं बात करूं ये फॉरेन की इनकम पर टैक्स ना लगना, ये कौन से रूल्स कानून एक्ट में आता है, कोई बता सकता है? मैंने आपका माइक खोला हुआ इस समय। आईटी आई स्क्रीन पे लिखा है मैंने डी टी ए ए क्या बोलता है इसके फुल फॉर्म? डायरेक्ट टैक्सेस, नहीं डबल टैक्स, डबल टैक्स डबल अवॉइडेंस, टैक्सेशन, अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये जो है इंडिया ने बहुत सारी कंट्री के साथ ही एग्रीमेंट किया हुआ, क्यों किया हुआ? यहां से कोई बंदा जाएगा उस कंट्री में जिसके साथ ये एग्रीमेंट है, वो कंट्री में जो भी वो कमा के इधर भेजेगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा। और वो किस कंडीशन में होगा? अगर उस बंदे का स्टेटस क्या होगा, एनआरआई। कोई अगर जा रहा है 1 महीने कमा के ले आया उस पे टैक्स लगेगा, लेकिन
अगर एनआरआई स्टेटस में है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए हमारे लोग अदर कंट्री में जाते हैं। अगर वो नहीं, ये रूल नहीं होता तो सपोज कीजिए उसको 5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है सऊदी में, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने पता लगा 40% टैक्स काट लिया तो 2 लाख हो गया, ठीक है। अब वो इंडिया में आया, इंडिया में 30% काट लिया तो इतना हो गया, तो बचा उसके पास कितना, एक रफ कैलकुलेशन है, तो कह गया इससे अच्छा तो मैं इंडिया में काम कर लेता हूँ, ठीक है। और डीटीएक्स डीटीए करने का रीजन ये है कि अगर कोई भी बंदा बाहर जाएगा तो बाहर जाएगा तो बाहर से क्या लाएगा, फॉरेन मनी लाएगा, फॉरेन करेंसी लाएगा। फॉरेन करेंसी लाने का मतलब हमारा क्या बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व। रिजर्व तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारा फॉरेक्स रिजर्व इस समय कितने बिलियन डॉलर के आसपास है, रफ फाइव क्वेश्चन, हंड्रेड फोर रफ हंड्रेड क्वेश्चन एकदम। 400 450 तो रहता अबाउट है फोर हंड्रेड है ऑन एन सर, एवरेज। ये +600 है, ठीक है, ओके तो सर। ये धीरे धीरे करके क्या है, बढ़ता था। और इस फॉरेक्स रिजर्व का हम लोग यूज क्या करते हैं, जब हम लोग फ्यूल ऑयल खरीदते हैं, प्लस हम लोग आर्म्स एम्यूनेशन खरीदते हैं, ठीक है, प्लस हम लोग फाइटर प्लेन खरीदते हैं, तो जितनी भी चीज कोई टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, ये सारी चीजें अगर हम फॉरेन से खरीदेंगे तो हमको किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, फॉरेक्स रिजर्व की, ठीक है। और फॉरेक्स रिजर्व, ये तो बात हो गई हम कॉमोडिटी खरीद रहे हैं, कोई एक आंसर मुझे दे पाएगा कि फॉरेक्स रिजर्व और क्या फायदा करता है हमको? इनएफआई को प्लस करने में सुविधा होता है, जीडीपी किसको? जीडीपी में सर हाँ जीडीपी का हो गया, ठीक है, फॉरेन से मनी आ रहा है, और रुपी बताओ। स्ट्रांग हाँ करता है। सबसे बेसिक जो है रुपीज स्ट्रांग होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास अगर फॉरेन करेंसी का स्टॉक अच्छा होगा तो लोग जो है जब फॉरेन करेंसी भेजेंगे तो हम कहेंगे नहीं इतना महंगा नहीं लेना है, हमको सस्ता देना है, ठीक है। तो अभी अगर 1 डॉलर में 78 रुपीज हैं, तो अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा हो जाएगा तो हम 1 डॉलर का 72 ही देंगे या कम देंगे, ठीक है, कहना भैया 1 डॉलर के हम 72 दे पाएंगे, आपको लेना है तो ले लो, क्योंकि हमारे पास पहले से डॉलर या फॉरेन करेंसी अवेलेबल है। अगर ये कम होगा उस कंडीशन पे हम इसको हमारी जो करेंसी है वो सस्ती होती जाएगी, ठीक है, चलो। और ये बात भी अगली बारी, अब बात आती है कि एनआरआई कोई जा रहा है बाहर, एनआरआई कोई बाहर जा रहा है तो वो कौन से फैसिलिटी बैंक में ले, उसके जो रिलेटिव हैं वो कौन सी फैसिलिटी ले, प्लस अगर उसको बाहर से कोई पैसा आ रहा है तो वो कौन सी फैसिलिटी ले, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए हम लोगों को अकाउंट्स के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें सबसे बेसिक चीज पहले बात करते हैं हम लोग कि वो कौन सी चीजें जो हमें जाने, तो सबसे पहले कोई भी जब अकाउंट खुलेगा तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि वो रेजिडेंट स्टेटस क्या है उसका, रेजिडेंट स्टेटस। रेजिडेंट स्टेटस 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक होता आरआई और एक होता है एनआरआई एनआरआई एनआरआई। दूसरा चीज हमको देखना है करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी के अकाउंट है तो करेंसी आइदर वो आईएनआर यानी कि रुपीज है और कौन वो डॉलर। अब डॉलर में क्या है, ऑल करेंसी, कौन सी ऑल करेंसी, ऑल फॉरेन। फॉरेन फाइव अब कौन कौन सी होती हैं, ये क्या लिखा मैंने, पौंड, पाउंड वन पाउंड इसको स्टर्लिंग पाउंड भी बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों इसके नाम आता है। और उसके बाद येन येन, युआन येन, येन येन ठीक है, उसके बाद यूरो यूरो यूरो, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, एयूडी दिनार, दिरहम, बहुत सारी फॉरेन करेंसी है, ठीक है। तो मोस्ट जो स्ट्रॉन्ग करेंसी में से आता है उसमें आपका स्टर्लिंग पाउंड आता है, आपका येन आता है, आपका ये यूरो आता है यूरो और आता है, डॉलर डॉलर कर कर ये डॉलर ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। ये 4 करेंसी ऑस्ट्रेलिया मेन है प्लस और करेंसी। अब इसमें जब भी डीलिंग की बात आती है तो आरबीआई ने ऑथराइज किया हुआ कि कौन कौन सी करेंसी में हम लोग अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सिंबलाइज करेंसी का क्वेश्चन आता है तो वर्ल्ड में कितनी करेंसी सिंबलाइज है, फाइव 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 है,
बाकियों के नेम है। हमको एक बात छोटी सी समझ में नहीं आती कि लोग अपना माइक ऑफ करना क्यों नहीं सीख पा रहे। अब मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा कि ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास कैसे माइक ऑफ करें। हैं, चलो अभी फिलहाल मैंने बंद कर दिया। तो हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर हमको इन अकाउंट्स के बारे में सीखना है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वो इसके लिए खुलेगा या इसके लिए खुलेगा, इंडियन करेंसी में खुलेगा या एनी ऑफ द फॉरेन करेंसी में। दो ही बातें ध्यान रहे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि वो कौन कौन से अकाउंट होते हैं जिनके बारे में आज हमें पढ़ने जाना है, तो आप एक एक करके बोल दीजिए, लेकिन एक जो बोल देगा उसको दोबारा रिपीट मत करिए। एनआरओ, एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, एफसीएनआर, आरएफसी, आरएफसीडी, ये इंडिविजुअल में, आरएफसीडी, और बताइए, एफसीएनआर, ईएफसी सर, इंडस्ट्री में जो ईएफसी है। नहीं, अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा, सिर्फ नेम बताइए मेरे को। एफसीएनआर, एक और आवाज आ रही थी अभी, एसएनआरआर, ठीक है। इतने टाइप के अकाउंट हम लोग आज इनके बेसिक्स स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जो आप लोग सीआईबी वालों केस स्टडी आती है वो इन्हीं अकाउंट्स पे बेस पे स्टडी आती है। वो इस तरह बनाते हैं कि वो बाहर से पैसा भेज रहा है, कौन से अकाउंट भेजेगा, कन्वर्जन करेगा नहीं करेगा, रिस्क किस पे रहेगा, इस तरह का कुछ छोटा सा केस स्टडी आता है। और कई बार अल्टरनेट बेसिस पे आता है, लास्ट टाइम नहीं आया तो इस बार चांसेस हैं कि वो आ सकता है, ठीक है। चलो, अब जब हमने सारे अकाउंट लिख लिए, तो सारे अकाउंट लिखने के बाद अब हमारे लिए इजी हो गया कि हम कि कैसे पहचाने कि कौन सा अकाउंट कौन खोल सकता है। तो सबसे पहली बात, करेंसी को पकड़ते हैं। जहां पर भी एफसी लिखा हुआ है, ये जहां पर भी एफसी लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी में। इट मींस ये वाला अकाउंट डॉलर में, डॉलर का मतलब कोई फॉरेन करेंसी, डॉलर में, डॉलर में, डॉलर में, डॉलर में, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये जो अकाउंट का नाम है डायमंड डॉलर अकाउंट, तो इसका नाम ही डायमंड डॉलर है, तो ये भी फॉरेन करेंसी। एक चीज हमें कंफर्म हो गई, यानी रेस्ट ऑफ द अकाउंट जो है वो रुपीज में खुलते हैं, ठीक है। इसके जो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो को हम एक अलग उसमें सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम बताएंगे कौन सा अकाउंट कौन सी करेंसी में खुलता है। अब आता है आपका ये रेजिडेंट के बाद कि कौन खोल सकता है, तो जिसमें भी एनआर लिखा हुआ है, जिसमें भी एनआर नॉन रेजिडेंट लिखा हुआ है, वो नॉन रेजिडेंट खोल सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, एक है ये नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन, मतलब ये फॉरेन फॉरेन बैंक में खुलेंगे सर, एनआर? नहीं नहीं नहीं, ये सारे अकाउंट अभी इंडिया में है। अच्छा, इंडिया में खुलेंगे ना इसका मतलब? हाँ, एक अकाउंट है बाहर खुलेगा, वो बताऊंगा इसमें। तो अभी मैं दो कैटेगरी डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि जितने भी अकाउंट हैं वो रेजिडेंट खोलेगा या नॉन रेजिडेंट खोलेगा, इंडियन करेंसी में खोलेगा या फॉरेन करेंसी में, दो ही क्वेश्चन के आंसर चाह रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब एक वर्ड आता है ओ वाला, ओ का मतलब है ओवरसीज। तो अगर ओवरसीज लिखा हुआ है तो ओवरसीज मीन्स बाहर, तो ये अकाउंट जो है ओवरसीज ही खुलता है, यानी बाहर ही खुलता है। ये वाला अकाउंट जो अभी एक क्वेश्चन था ना आपका, ये कहां खुलेंगे, ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट, उसके साथ साथ वॉस्ट्रो और लोरो, ये तीन अकाउंट कहां खुलते हैं, एब्रॉड खुलते हैं, जो इंडिया में नहीं खुलते। तो अब तीन क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, कौन खोलेगा,
किस करेंसी में खोलेगा और कहाँ खोलेगा? बोलो, कोई डाउट है इसमें? सर ओएफसी में हमारा जो आरआई होता है, आरआई ओवरसीज में खुलता है? देखो ओएफसी में मैंने एनआर नहीं लिखा ना, अगर ओएफसी में एनआर नहीं लिखा तो मींस रेजिडेंट खोलेगा, और मैंने ब्लॉक बंद किया है, कहाँ खुलेगा वो? बाहर, ओवरसीज खुलेगा, इंडिया में नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, तीन आंसर हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि इन अकाउंट्स में कौन कौन सी फैसिलिटी कैसे कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला कैटेगरी है इंडिविजुअल, दूसरा कैटेगरी है, हाँ बोलो सर, नोस्ट्रो बोस्ट। सर मैंने पढ़ा है कि जो जैसे नोस्ट्रो बोस्ट्रो में जैसे पीएनबी खोलता है एसबीआई के पास, तो पीएनबी के लिए वो नोस्ट्रो होगा, ऐसे ऐसे है ना सर? नहीं नहीं, अगर वो बाहर विदेश में खोलता है तो। अच्छा सर, इंडिया इंडिया में खुलेगा तो सिंपल क्लियरिंग अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, अगर एक इंडिया का बैंक दिल्ली वाला मुंबई में खेलता तो वो क्लियरिंग अकाउंट है, वो नोस्टो वस्तो, नोस्टो वस्तो के लिए कंडीशन है दूसरी कंट्री में खोलेगा। एक बैंक दूसरे बैंक पर, हाँ एक बैंक दूसरे बैंक में दूसरी कंट्री में खोलेगा। अच्छा, तो नोस्टो, ये भी है बात, मैंने गलत पढ़ा था। नहीं पढ़ा सही होगा, कहीं अंडरस्टैंडिंग में कहीं डाउट हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि जिसने भी छापा होगा उसने गलत तो नहीं छापा होगा शायद। हाँ ये तो सही है, चलो कोई बात नहीं। तो तीन कैटेगरी बात करते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी और बैंक पर्पज। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो जितने यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करते हैं पहले, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में हमारे आते हैं एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआरबी बोलते हैं, आरएफसी, आरएफसी डी। ठीक है, और अगर बिजनेस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईईएफसी, डीडीए, ओएफसी और एक नया अकाउंट आया है एसएनआरआर। और बैंक पर्पस के लिए बात करते हैं तो नॉस्ट, तो ऑस्ट्रो लोस्ट्रो और लोड। तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखना है कि जब क्वेश्चन आता है तो दिस इज फॉर द इंडिविजुअल पर्पज, दिस इज फॉर द बिजनेस पर्पज एंड दिस इज फॉर द बैंक पर्पज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी माइंड में रखिएगा आप हमेशा। चलो अब हम वन बाय वन अकाउंट लेते हैं और हर अकाउंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके फंक्शनैलिटी है, कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहां पे तो हम अकाउंट लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे यहां पर मैं करेंसी और रेजिडेंट स्टेटस की बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो हम बोले अकाउंट, तो टाइप, किस टाइप का अकाउंट खोलेगा। ठीक है, बात करेंगे जॉइंट कौन हो सकता है इसमें, बात करेंगे नॉमिनी कौन हो सकता है और अदर चीजें। ठीक है, तो जब भी हम इसकी बात करेंगे अगर हमें ये पांच चीजें चार चीजें मालूम है तो हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट लेते हैं, एनआरओ। ठीक है, तो एनआरओ जो टाइप खुलेगा, एनआरओ में आप लोग आंसर कर सकते हैं कौन कौन से टाइप का मतलब है, सेविंग बैंक करंट अकाउंट, सेविंग एफडी, क्या इस तरह से? सेविंग करंट बोलिए, सेविंग करंट दोनों खुलेगा। कौन सा? सेविंग खुलेगा सर। सेविंग करंट एफडी भी हो जाएगा, सेविंग करंट दोनों। हाँ हाँ, सेविंग करंट एफडी सब बना सकते, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट,
ज्वाइन किसके साथ कर सकता है? रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव। सर देखो ये तो क्लॉज खत्म हो गया है कि कोई भी अकाउंट किसी के साथ भी ज्वाइन खोल सकता है। अच्छा, ऑर्डिनरी है सर, किसी के साथ खोल सकता है। मोड ऑफ ऑपरेशन ए फॉर एस होगा? हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन ए फॉर एस होगा। बताता हूँ, देखो एनआरओ अकाउंट, पहला क्वेश्चन सुनिए, एनआरओ अकाउंट कौन खोल सकता है? नॉन रेजिडेंट इंडियन, इंडियन नॉन, नहीं इंडियन तो है, ठीक है, लेकिन नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो ज्वाइंट के लिए भी पहला कंडीशन तो है नॉन रेजिडेंट, क्योंकि ज्वाइंट भी होगा। लेकिन अगर वो रेजिडेंट के साथ आता है तो उसके लिए कंडीशन रहेगा एफ और एस। उसका लॉजिक सुनिए कि एफ और एस में एस का रोल क्या रहता है? कुछ नहीं होता, एस का रोल उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन एफ की डेथ हो जाती है। और अगर एफ की डेथ हो जाए तो सर्वाइवर नाम इसलिए दिया हुआ है कि भाई उस फंड को कोई मैनेज तो करेगा। यस सर। और उस दिन वो अकाउंट एनआरओ से चेंज होके नॉर्मल अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी तो डेथ हो गई ना। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसमें ओ का मतलब क्या है सर? इसमें ऑर्डिनरी, एक मिनट बता दूं। तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ऑर्डिनरी का मतलब जो आप लोग सब खोलते हो उसको ऑर्डिनरी अकाउंट बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी अकाउंट ही एनआरओ बन जाता है। कब? जब वो कस्टमर आपके पास आएगा, अपना वो प्रूफ दिखाएगा कि भाई मैं अब एनआरआई हो गया, तो आप क्या करेंगे उसके जो रेजिडेंट स्टेटस का फ्लैग है उसको कौन सा ले लेंगे आप? नॉन रेजिडेंट एनआरआई लोगे। जैसे ही आप उस अकाउंट का कस्टमर टाइप में एनआरआई लोगे, वो अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एनआरओ, एनआरओ, एनआरओ में। ठीक है, क्लियर होगी बात? हाँ, एक क्वेश्चन कोई पूछ रहे थे, पूछिए सर। दो एनआरआई मिल गया, इसको खोल सकते हैं जॉइंट? बिल्कुल, मैंने बोल दिया भाई, तो ये पहले लिखा हुआ है। उसका मोड ऑफ ऑपरेशन भी फॉर्मर और वो ईओआरएस में खोल सकते हैं, और ईओआरएस हो सकता है, ईओआरएस या जॉइंटली, उस दोनों में खोल सकते हैं। लेकिन अगर रेजिडेंट को लेंगे आप तो वो एफआरएस में ही खोल पाएगा। ठीक है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है? नॉमिनी कोई हो। देखो नॉमिनी का रोल कब आता है सर? एज ए ट्रस्टी होता ना नॉमिनी? तो नहीं होता है, लेकिन उसका रोल शुरू कब होता है? जब जब सब अकाउंट मतलब जब डेथ हो जाते हैं कस्टमर ना, डेथ के बाद तो होता है। उसके बाद कोई उस फंड का ऑर्डिनरी अकाउंट में चेंज हो जाएगा ना? हाँ, ऑर्डिनरी अकाउंट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है नॉमिनी किसी भी अकाउंट में, अभी जितने भी अकाउंट पड़ेंगे उसमें सब में ऑल में, पहले से ही ऐसे कहता हूँ, नॉमिनी के लिए कोई क्लॉज नहीं है। ओके सर, चलो ये तो कॉमन चीज हो गई। कॉमन चीज हो गई, ठीक है। टाइप और जॉइंट में थोड़ा हमें सीखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सर, इसमें अगर एनआरआई पर्सन है और साथ में अगर रेसिडेंट पर्सन है, तो उसमें अगर रेसिडेंट पर्सन को अगर पैसा अगर वगैरह मतलब ट्रांजैक्शन अगर करना है तो वो कर नहीं पाता है कि फिर इसमें? नहीं, नहीं कर पाएगा। नहीं फिर मतलब वो तो एफ और एस में है ना सर? एफ और एस में है, लेकिन फिर रेसिडेंट इंडियन पर्सन को ज्वाइन करने का पर्पस क्या रहेगा? पर्पस बताता हूँ। जब ये जो एनआरआई का डेथ हो जाएगा तो जो सर्वाइवर है उस फंड का यूज कर पाएगा, और वो यूज करने के लिए जो उसकी इच्छा है वो करे। नहीं, मेरा कंसर्न ऐसा है सर, क्योंकि अभी सपोज अगर फादर या फिर उसके सन का अकाउंट है, सन बाहर अनदर कंट्री में है और कुछ ट्रांजेक्शन अगर करना चाहता है या फिर सपोज पैसा ही निकालना चाहता है, तो वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाता है क्या फिर एनआरओ अकाउंट में? ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं। उसके लिए उसको पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो एनआरआई जो बाहर जाते हैं वो, हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी क्लोज रिलेटिव के नाम देके जाते हैं, मदर, फादर, वाइफ, बेटा, भाई। ठीक है, यस सर। तो वो ऑपरेशन करते हैं उस अकाउंट का। अच्छा, अभी डिस्कस होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछा था, पीआईओ का मतलब क्या है?
पीआईओ, अच्छा यहाँ बताता हूँ मैं पहले आपको कि जो हमारे स्टेटस की बात हो रही थी, एक होता है रेजिडेंट इंडियन, एक होता है एनआरआई, एक होता है पीआईओ, एक होता है ओसीआई। ठीक है, तो ये जो चार कैटेगरी हैं, इसके बारे में तो हमने क्वेश्चन और क्लेरिफिकेशन दे दिया। पीआईओ कौन होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इसमें होता है फादर, फोर फादर इंडियन होते हैं उसमें, मतलब उसके दादा परदादा कोई ना कोई बंदा कभी ना कभी इंडियन था। Yes, अब वो इंग्लैंड में जाके बस गए, अमेरिका में जाके बस गए, तो उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन का मतलब जो बाहर का है अब इंडियन हो गया। तो ऐसी पीआईओ कौन है? जो इंडिया का है अब विदेशी हो गया। ठीक है, अच्छा ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अभी क्या करा है, 2016 में या 17 में इस कैटेगरी को इधर मर्ज किया गया है। ठीक सर, ओसीआई का मतलब क्या बताया आपने? क्या चीज? ओसीआई का क्या मतलब बताया आपने? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, ओसीआई को मर्ज कर दिया पीआईओ में, और एनआरआई और पीआईओ के बीच में ऑब्लिक कर दिया मैंने, यानी जो फैसिलिटी एनआरआई को मिल रही है तो सेम फैसिलिटी इज एक्सटेंडेड टू पीआईओ, पीआईओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, उसको क्लियर क्लेरिफिकेशन हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा अकाउंट हम ले रहे हैं, कौन सा? एनआरआई का। एनआरआई की जब अकाउंट की बात आएगी तो टाइप अगेन वो टाइप ऑल टाइप। ठीक है, यस सर, सॉरी एनआरई है, मैंने ऊपर भी एनआरआई लिख दिया था क्या? नहीं, ठीक लिखा। अब बात कर रहे हैं हम एनआरई अकाउंट। तो एनआरई में ई वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ई का मतलब क्या है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ये क्रक्स है इस अकाउंट का। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक कॉलम और बढ़ा रहे, रिपेट्रिएशन, तो हाँ इसमें है डिपॉजिट फ्रॉम एब्रॉड सोर्सेस, एब्रॉड सोर्सेस। ठीक है, ठीक है, और इसमें बैलेंस किस में होता है? इंडियन करेंसी में होता है सर। इंडियन करेंसी में, मैंने आपको बहुत क्रक्स बता दिया, इस नेम में एफसी तो है नहीं, अगर एफसी नहीं है तो फॉरेन करेंसी में हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब एफसी में है ही नहीं तो फॉरेन करेंसी हो ही नहीं सकती, तो रुपीज में होगा। लेकिन पैसा आएगा कहां से? बाहर से, बाहर से। ठीक है, अब कई बार एक क्वेश्चन आता है, क्या एनआरई अकाउंट इंडिया में खुला हुआ है तो उसमें कैश डिपॉजिट हो सकता है? नहीं, नो सर, नहीं नहीं, नो सर, इंडियन करेंसी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, डिपॉजिट फ्रॉम अब्रॉड सोर्स है ना, एनआरओ में करना पड़ेगा। हो सकता है, हो सकता है, हो नहीं सकता तो सर वो जमा करेगा तो फॉरेन करेंसी में जमा करेगा ना, जब वहां से, हाँ करेगा, उसका कन्वर्जन करेंगे तब जमा करेंगे। हाँ जैसे मान लिया वो आपका कोई एनआरआई है, आजकल इंडिया आया हुआ है, वो $10,000 लाया था। ठीक है, वो एरोप्लेन से आते समय उसको टाइम नहीं मिला, वो घर ले आया, तो वो अपने एनआरआई अकाउंट, एनआरई अकाउंट में जमा कर सकता है, लेकिन वो बैंक जाएगा और जाने के बाद वो देगा काउंटर पे, काउंटर वाला पहले डॉलर एक्सेप्ट करेगा, उसका कन्वर्जन करेगा, फिर एनआरई अकाउंट में इंडियन रुपीज में डाल देगा। और उसका रीजन यह है कि वो सोर्स कहाँ का है, पैसा आया कहाँ से अल्टीमेटली? अब्रॉड से आया भाई, फॉरेन डॉलर इंडिया में तो छपते नहीं है, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, जमा कर लेंगे हम। ठीक है,
चलो लेकिन सर वो अगर रुपये में जमा करना चाहे तो हो सकता है भारत का नहीं, तो नहीं, जमा नहीं, करना चाहे पहले से रुपए दे रहा काउंटर में नहीं जमा करेंगे इसीलिए तो सोर्सेस लिखा हुआ ना प्रूफ कैसे करेंगे आप कहां से पैसा आ रहा है। चलो अब बात करते हैं जॉइंट की। जॉइंट की सेम वही कंडीशन है कि या तो एनआर नॉन रेजिडेंट इंडियन ज्वाइन होगा और अगर रेजिडेंट होगा तो उसमें एफ और एस में ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है क्लियर होगी बात। चलो अगला पॉइंट सर तो कोई भी अगर फॉरेन का पर्सन है हाँ तो वो सबसे पहले एनआरई अकाउंट ही ओपन करेगा ना उसके बाद अगर यदि वो भारत में आ जाता है तो उसका अकाउंट एनआरओ में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं एनआरओ में अकाउंट कन्वर्ट वो होता है जो उसने पहले से खोल रखा है। अच्छा जो जब इंडिया रहता था तो उसमें जो इंडिया में अकाउंट चलाता था ठीक है। और एनआरओ और एनआरई में एक डिफरेंस है। डिफरेंस में यहां लिखता हूं कि एक तो हमने बताया सोर्स ठीक है और एक बनाया बना रहा हूं रिपैट्रिएशन। इस वर्ड को सुनिएगा जरा रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है कि अगर पैसा आ गया तो क्या वो बाहर जा सकता है। रिपैट्रिएट होना आने के बाद वापस जाना ठीक है तो रिपैट्रिएशन। तो यहां अगर बात करें एनआरओ में सीआईबी के बच्चे बताइए क्या रिपैट्रिएशन अलाउड है। हाँ, अलाउड है एनआरई में फुल अलाउड है। अलाउड नहीं है लेकिन एनआरई में फुल अमाउंट। अच्छा सर एक एनआरआई अगर अकाउंट खुलने आ गया तो हम उसको एनआरओ खुलेंगे या एनआरई खुलेंगे ये कैसे डिसाइड होगा। ये उस पर रहेगा। अच्छा अच्छा उसका उसका भी रीजन बताता हूँ। एनआरओ में जो टैक्स है कितने परसेंट कटता है। 50-30 अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग कटता है। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अकाउंट नहीं ऐसा तो नहीं है। एनआरओ अकाउंट तो इंडिया में खुल रहा है ना। ना ना 30 इंडियन आईडी सब कुछ चलेगा सर 30% 10% भी होता है स्लैब 15% भी होता है 30% भी होता है। अच्छा आप सुनीता बोल रही मैडम। यस सर। हाँ आप फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच में काम करते हैं या करा है आपने। हाँ करा है मैंने। अच्छा तो ये जरा बताइए मेरे को एकदम नई जानकारी लग रही है जरा स्टूडेंट्स को बताइए कि जो आप ये कह रहे हैं मेरा जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी ने एनआरओ में कोई भी अकाउंट खोला हुआ है और उसमें उसकी इंटरेस्ट इनकम है तो 30% का टीडीएस कटता है। सर नहीं वो कंट्री के हिसाब से होता है जैसे एनआरओ अकाउंट मैंने खोल दिया तो अलग अलग एक पूरा सर्कुलर था आरबीआई का कि ये ए बी सी अलग अलग कंट्री लगाई थी उन्होंने और उस कंट्री में 10% का स्लैब था फिर एक में 15 था एक में 30% ऐसे अलग अलग स्लैब थे सर उस हिसाब से उस कंट्री के हिसाब से हम सिलेक्ट करते थे। अच्छा एक चीज यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन के आ रहा है कि कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे जो उनका रेमिटेंस आ रहा है। सर एनआरओ अकाउंट ओपन कर जब करते हैं ना तभी वो स्लैब ले लेते थे हम लोग तो। अच्छा इन स्टार्टिंग में ही आप स्लैब ले लेते कि इसका हाँ। जो भी पैसा आएगा पैसे आने पे तो नहीं कटेगा वो तो इसकी इंटरेस्ट इनकम पे कटेगा। पैसा जाने जाने पर टैक्स कटता है मतलब इंडिया में अगर आया कोई हमारे वहां पे इंडिया में यहाँ पे आ गया उस अगर प्रोफेसर है या कुछ भी यहाँ पे गेस्ट प्रोफेसर तो वो अपने सैलरी वगैरह आती है जो एनआरओ में क्रेडिट होती है 6 महीने या जो भी। आप समझिए मैं बात आपकी ठीक है। आप बात कर रही हैं उस बंदे के अकाउंट की जो फॉरेन नेशनल ने इंडिया में आके एनआरओ अकाउंट खोला हुआ। चलो एक पॉइंट मेरा मिस हो गया था इस डिस्कशन से क्लियर हो गया कि जहां हमने बोला कि रेजिडेंट इंजीनियर जो कॉल देखो एक चीज हो गई
यहाँ देखिए जरा, ये यहाँ पे रीविजिट कर रहे हैं, हमने बोला नॉन रेजिडेंट खोलेगा, बोला ना, तो नॉन रेजिडेंट में फॉरेन नेशनल भी आ गया, कौन सा आ गया, फॉरेन नेशनल। और इसके अब जो अभी बात हो रही है उसमें कई सारी बातें निकल के आई हैं, उसको देखिएगा। एक तो यहाँ है कि अकाउंट खोलने की कैटेगरी में एनआरआई, पीआईओ और फॉरेन नेशनल एक ही तरह ट्रीट होते हैं। एक ये पॉइंट क्लियर हुआ कि फॉरेन नेशनल से मतलब है कोई स्टूडेंट है, कोई इंडिया में प्रोफेसर है, कोई टूरिस्ट है, इन लोगों को भी अकाउंट खोलने की परमिशन है। और वो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, एनआरओ अकाउंट, ठीक है। और टूरिस्ट का एनआरओ अकाउंट मैक्सिमम कितने टाइम के लिए खुलता है, सिक्स मंथ के लिए। क्योंकि क्यों, अब इसके पीछे लॉजिक समझिए, हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे लिए भी वही सिक्स मंथ का क्राइटेरिया है। ऐसे ही अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में सिक्स मंथ से ज्यादा स्टे कर लेगा तो वो अपनी कंट्री में जाके क्या कहेगा, एनआरआई हो गया, एनआरआई, एनआर ऑस्ट्रेलियन हो गया। सर हो सकता है उसकी कंट्री में एनआरआई का अलग डेफिनेशन हो, नहीं ये जो है एक ईयर को हाफ उसमें कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। और हो सकता है आपकी बात सही हो, कहीं किसी कंट्री में कुछ और कंडीशन हो कि कम से कम 9 महीने रहेगा तब मानेंगे, ठीक है। तो उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग जो भी उसका रूल होगा, लेकिन इंडिया में क्योंकि इंडिया वालों ने अपने वहां 6 मंथ का कंडीशन वो ले रखा है, ठीक है, तो वो उसको उस कंडीशन के हिसाब से 6 महीने से ज्यादा का अकाउंट टूरिस्ट को वीजा नहीं देते, ठीक है। वीजा भी वो इतने था, लेकिन जो स्टूडेंट और प्रोफेसर है वो तो ज्यादा रह सकते हैं ना, ठीक है। और इसी तरह फॉरेन नेशनल, तो अगर ये कोई भी एनआरओ अकाउंट खोलेंगे तो एक क्वेश्चन और आता है, फॉरेन नेशनल को अकाउंट खोलने के कितने डेज के अंदर लोकल प्रूफ देना होता है, भाई जब वो इंडिया आएगा तो पहले तो कहीं होटल वगैरह में रहेगा, एकदम से प्रूफ तो आएगा नहीं उसके पास, फिर उसको 2-3 महीने में अलॉट होगा, 30 डेज। इसको क्रॉस चेक कर लेना जरा, मेरे को लगता है 180 डेज है। नहीं सर 30 है या तो या 45 है, नहीं 6 मंथ है सर, क्योंकि इतनी जल्दी हो सकता है उसका रिजल्ट, 6 मंथ है सर, है 6 मंथ, क्योंकि उसे मकान ढूंढने में टाइम लग सकता है ना, 6 मंथ ही है सर, 6 मंथ है सर। सर लेकिन वो 6 महीने ही रहने वाला है तो उसको 6 महीने का कैसे, ये उसके लिए नहीं कह रहे हम, ये हम कह रहे हैं प्रोफेसर के लिए या स्टूडेंट के लिए या जॉब करने जो आया, तो उसको 6 मंथ ही होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे ना अगर नहीं दे पाया तो। चलो मैं इंटरनेट में ढूंढ लिया मैंने इसको, इसका आंसर है 30 डेज। ये दिख रहा है स्क्रीन पे देखो, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ ओपनिंग द फॉरेन स्टूडेंट शुड सबमिट टू द ब्रांच वेयर द अकाउंट इज ओपन अ वैलिड एड्रेस प्रूफ गिविंग लोकल एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेंट एग्रीमेंट लेटर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी कुछ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सर ये सभी के लिए लागू होगा, जो जॉब करने आया उसके लिए भी होगा या फिर जो रिसर्च करने आया उसके लिए भी होगा, मेरे ख्याल से सबके लिए लागू होगा क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट है, गारंटी लिखा है। अच्छा ये ऐसा हो सकता है कि जो और कोई भी आएगा और कोई भी जॉब करने आएगा तो सबसे पहले तो शायद उसके लिए यही व्यवस्था करेगा या रहेगा कहाँ पे, ठीक है। हम ये मानते हैं सबके लिए, मान लीजिए इसको आप, सेम ही है सर, ये सेम ही होगा ना, यस सर। बस सर सिर्फ वो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला वो कंफर्म नहीं है, वो अभी मैं बोलूंगा, वो मैं बोला नहीं मैंने, ठीक है। जो ये जो मैडम बता रही है कि जो हम ये एनआरआई पीआईओ ओसीआई या फॉरेन नेशनल बात कर रहे हैं ये अदर देन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए है, मतलब मींस पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को छोड़ के सबके लिए ये रूल लागू है जो सामने दिख रहे हैं,
पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए कुछ साउंड चला रेस्ट्रिक्शंस गया है। था साउंड चला गया था और एक रिपीट कीजिए। ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात हो रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ये रूल अलग है, बाकी सारी कंट्री के लिए ये रूल है जो हम सामने बता रहे हैं आपको। ठीक सर, भूटान के लिए आगे देखते हैं। भूटान और नेपाल के लिए तो एनआरआई वाला स्टेटस ही नहीं है, उसको हम इंडियन टाइप का मानते हैं। यानी अगर अगर हम नेपाल या भूटान जा रहे हैं तो हम वहां की इनकम जो लाएंगे उसको हम फॉरेन इनकम नहीं मानते। नेपाल भूटान एक अलग क्राइटेरिया में है, पाकिस्तान बांग्लादेश एक अलग क्राइटेरिया में है। और पाकिस्तान बांग्लादेश को एनिमी कंट्री बोलते हैं, तो एनिमी कंट्री के लिए रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं। केस स्टडी जब आती है तो उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम भी होता है। ठीक है चलो और आगे देखते हैं। तो हमने यहां बात करी रिपेट्रिएशन की। रिपेट्रिएशन एनआरआई में जितना भी डिपॉजिट आएगा, क्योंकि वो कहां से आ रहा है, बाहर से, एब्रॉड से आ रहा है, एब्रॉड से आ रहा, तो उसको फुल परमिशन है कि जब भी चाहे वो ले जाओ। ठीक है हाँ। टैक्स की बात आ रही थी, तो टैक्स में एनआरओ में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब भाई बैंक जो टैक्स काटता है कौन सी कंडीशन में काटता है, टेन है और जो नहीं है, आपने इंटरेस्ट इनकम किया, बैंक को और इनकम से मतलब नहीं है। जो मैडम ये बात कर रही थी वो उनकी इंप्लॉयड इनकम से बात कर रही थी। तो इंप्लॉय इनकम से अगर पैसा आएगा, अगर इंप्लॉय इनकम से पैसा आएगा तो उस पर वो जो मैडम ने बताया कि हमारा किस कंट्री के साथ कौन सा एग्रीमेंट है। जैसे डीटीए हमने किसके साथ किया हुआ है, अदर कंट्री के साथ किया हुआ, और हमारा बंदा वहां जाएगा तो क्या रूल लगेंगे। लेकिन जो अलग वाली कंट्री की बात है, वो बंदा इंडिया में आके अर्निंग कर रहा है। ठीक है, आप लोग जब आप लोग टैक्स देते हैं तो क्या टैक्स कटता है इनकम पे आपकी सैलरी के? टीडीएस कटता है सर। टीडीएस सर, टीडीएस अलग चीज है, टैक्स अलग चीज है। 20% 30% अलग अलग डिफाइन किए हुए। सर जो सर जो बाहर का जो कंट्री है जो इंडिया में जॉब करता है उसका सैलरी से उसका इनकम से अगर कोई टैक्स काटना होगा तो जो देता है इनकम वो काटेगा ना, बैंक वाले क्यों काटने लगे उसको? ये भी गुड क्वेश्चन है आपका सर। मगर टीडीएस तो कटेगा सर बैंक पे, 15% 20% देते हैं। आई थिंक वो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस रहता है वो कंट्री का और इस कंट्री का, उस हिसाब से वो स्लैब बनाया होगा। ये बात भी लॉजिक सही है कि भाई वो तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। टीडीएस है सर, टीडीएस हूं। हाँ वही टैक्स कटना, मतलब टीडीएस ही बात कर रहे हैं। तो जब वो सैलरी सैलरी से उसको पैसा मिल रहा है तो जो सैलरी दे रहा है वो काटे ना। मैडम इसको देखिएगा, ठीक है मैं बताऊंगी सर। हाँ फिर देख करके डिस्कस करिएगा। हाँ, ठीक चलो सर, मेरे आगे हम बात कर रहे थे सर, मेरे एक और कंसर्न था। एनआरओ अकाउंट में जो टीडीएस काटते हैं वो कितना काटते हैं? 30%। ठीक है, और किस पे? इंटरेस्ट इनकम पे, उसके डिपॉजिट पे नहीं काटते। मान लिया उसने एफडी किया, उसका 5 लाख का इंटरेस्ट बना, उस पे 30% काटेंगे। ठीक है, और टीडीएस काट रहे हैं वो, फिर बंदा अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करके उसको रिफंड ले सकता है अगर उसको जेनुइन है तो। ठीक है चलो आगे, एनआरई वाले डिपॉजिट पे नो टीडीएस। ठीक है, एनआरई वाले पे कोई टीडीएस। हाँ सर, एनआरओ अकाउंट जैसे कि आपने बताया फॉरेन नेशनल भी खोल सकता है, तो अगर उसमें सर अगर टीडीएस काटने लगे 30% का, तो फिर वो टीडीएस रिटर्न कैसे क्लेम करेगा, उसका पैन से करेगा या कैसे करेगा? पहली बात तो मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि उसके डिपॉजिट पे नहीं काटता, उसका जो इंटरेस्ट इनकम हो रहा है उस पर टीडीएस काटेगा, एक बात। ठीक है, अब वो क्लेम करता है वो उसकी कंट्री में, उसकी कंट्री में हमारी कंट्री के साथ क्या एग्रीमेंट है,
वो ये कह सकता है कि मेरा टैक्स तो इंडिया ने काट लिया, अब आप इस पे टैक्स नहीं काटेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जब वो टैक्स काटने के बाद अपना पैसा फॉरेन अपने कंट्री भेजता होगा तो उस कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसा आने में नहीं, नहीं टैक्स कट रहा। टैक्स किस चीज पे कट रहा? दूसरे कंट्री में जहां इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अगर उसको इनकम हो रहा है वहां पर, ठीक है, उसके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कोई टैक्स नहीं कट रहा, ठीक है। ऐसे ही जो इंडिया में लोग पैसा लाते हैं ना, वो उस कंट्री में टैक्स दे के जाते हैं, तो वो कभी इंडिया आके नहीं बोलते कि हमारा उतना टैक्स काट लिया उन्होंने, वो उनको पता है कि वो मैं वहां कमाऊंगा तो टैक्स कटेगा, ठीक है। सर एनआरओ और एनआरआई में जो अमाउंट है, दोनों का सोर्स तो बाहर का ही है, तो एनआरआई में फुल रिप्रेटिएशन अलाउड है और उसमें $1 million नहीं, फर्क है ना। देखो एनआरआई में, एनआरओ में डोमेस्टिक प्लस एब्रॉड दोनों जगह से डिपॉजिट आ सकता है, लेकिन एनआरई में कहां से डिपॉजिट आ सकता है? बाहर से, फॉरेन से, एब्रॉड, बस। तो ये फर्क है ना उसमें। जब एनआरई में बाहर से पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट कह रही आ रहा है ले जाओ, लेकिन एनआरओ में बाहर से भी आ सकता है पैसा, इंडिया में भी जमा हो सकता है। भाई उसने अगर मान लिया 5 acre लैंड सेल किया, उसका पैसा आ गया पंजाब में, तो पंजाब से वो उसमें डाल सकता है। तो ये इसलिए रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया का पैसा कहाँ जाने लग जाए, बाहर, तो दिक्कत आएगा ना, ठीक है। इन्होंने एक हैंड रेज किया है, जरा बताएं, कुंगाला जी, कुंगाला अभिराम जी, हैंड रेज किया, कुछ पूछना चाह रहे हैं या बच्चों ने कर दिया आपके? सर हाँ, बोलिए बोलिए सर, आशीष बोल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ सर कि जैसे एनआरओ अकाउंट में भी ऑल टाइप अकाउंट खुलते हैं, है ना, एनआरआई में, सॉरी एनआरई में भी अगर एफडी खुलेगा, जैसे वहां से सोर्स से पैसा आ गया उस अकाउंट में, उसने एफडी बनाई एनआरआई अकाउंट में, तो हम उस एफडी पे टीडीएस क्यों नहीं काटेंगे? नो टीडीएस क्यों रहेगा? एफडी बनाई, हाँ, तो एनआरई को रिबेट दिया गया ना। Okay. उसका रीजन बताता हूं मैं, कि वो जितना ज्यादा फॉरेन से पैसा लाए उतना अच्छा है ना, हमारा फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो गया सर। भाई फॉरेन मनी आ रहा है ना हमारे पास, रिजर्व बढ़ेगा, हम चाहते हैं कि आए। सर उसका एफडी बनेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा ना उसको, तो उस पे तो लगेगा टीडीएस। अरे रिबेट दिया गया भाई फॉरेन के, नहीं लगेगा सर, नहीं। हां क्या कहते हैं कि उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस पे टैक्स लगेगा। मैडम आप कुछ क्लेरिफाई कर सकती हैं इसमें? नहीं सर, मतलब ये क्लियर नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन इसको भी आप नोट कर लीजिए कि एनआरई पर उसकी एफडी पे जो इंटरेस्ट होगा, सपोज कीजिए वो 1 lakh का इंटरेस्ट अर्न किया, तो टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? और ऐसा हो सकता है कि अगर वो कटेगा तो कौन से रेट पे कटेगा? नॉर्मल रेट पे, जो यहाँ पे 30% काट रहे हैं ना, नॉर्मल रेट कितना है? 10% है ना, 10%। तब तो इसको आप, इस क्वेरी को आपके लिए जिम्मेदारी है, इसको आप क्लियर करके सबको बताएंगे तो मेरा भी जानकारी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो एनआरओ और एनआरई में जितना डिस्कशन हो रहा है वो हमें आगे ईज आउट करेगा, मीन्स बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट अकाउंट पे आते हैं, उसका नाम क्या है? FCNR. तो इसमें दोनों चीज क्लियर है कि ये जो अकाउंट खुलेगा वो फॉरेन करेंसी में खुलेगा, NRI और NRI खुलेगा, ठीक है। NRI का मतलब NRI या PIO, दोनों उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फॉरेन नेशनल नहीं आता, फॉरेन नेशनल वाली फैसिलिटी सिर्फ एनआरओ में है सर। एनआरओ में ये बोल रहा है नेट में, गूगल में बोले 30% वो लगेगा टैक्स। कितने परसेंट? 30%। और उसका वो इंटरेस्ट को अपना वहां ट्रांसफर कर सकता है विदेश में, बाकी जो फिक्स किया उसको नहीं कर सकता। एनआरओ में ये है कि वो $1 million तक है। एनआरओ में तो सही बोल रहा नहीं, एनआरई की बात करो,
एनआरआई की वहाँ सर मैं तो उसका वीडियो दिखा हुआ है एनआरआई में जो आपने लिखा है वही है सर एनआरआई और एफसीएनआर में हाँ सर किसका वीडियो देखा है 247 247 में भी यही बोलते हैं नो टीडीएस है ना हाँ सर एनआरआई एफसीएनआर में कोई टीडीएस नहीं लगता है इंटरेस्ट इनकम पर ना इंटरेस्ट इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है टीडीएस एप्लीकेबिलिटी जीरो है उसमें ओके हो गया चलिए आगे बात करते हैं एफसीएनआर तो एफसीएनआर नॉन रेजिडेंट खोलेगा फॉरेन करेंसी में खोलेगा बी को बोलते हैं बैंक एफसीएनआर बैंक बोलते हैं ठीक है अब जब यहां पे हम बात करते हैं तो टाइप एफसीएनआर में सिर्फ एक टाइप का अकाउंट खुलता है जिसको बोलते हैं हम लोग एफडी क्या बोलते हैं इसको एफडी बोलते हैं और जॉइंट का वही कंडीशन है ठीक और ये जो एफडी अकाउंट खुलता है इस एफडी अकाउंट में नॉमिनी कितने कितने ईयर तक है फाइव ईयर तक फाइव ईयर हाँ और मिनिमम कितना है वन ठीक दूसरा जॉइंट का वही कंडीशन है नॉमिनी सब होगा सोर्स सोर्स में जो पैसा है वो एनआरई अकाउंट से आ सकता है या कहां से अब्रॉड से तो एनआरई में भी कहां से आ रहा पैसा अब्रॉड से अब्रॉड से इसका मतलब अब्रॉड सोर्स से ही आएगा पैसा वो पहले से जो उसने एनआरई में पैसा रखा उससे कर सकता है ये ठीक है और ये जो इसमें एफसीएनआर में बैलेंस चलता है वो कौन सी करेंसी में चलता है जिस करेंसी में आपने एफडी बना रखा फॉरेन करेंसी ठीक है रिपेट्रिएशन फुल है ठीक है नो टीडीएस ठीक है क्लियर है चलो अगला अकाउंट बात करते हैं ये जब क्लास होगा क्लास पूरा होने के बाद आप थ्योरी जरूर पढ़िएगा क्योंकि कई बार क्या होता है आपको सब आता है लेकिन जरा सा एक लाइन नहीं पढ़ने से आपका गड़बड़ जाता होगा ठीक है अगला अकाउंट हमने बताया आरएफसी सर हाँ सर और एक जो एनआरओ एनआरओ में हम पैसा डालते हैं वो इंडियन रुपी में डाल सकते हैं डाल सकते हैं आप अपने जो है कोई पैसा डाल सकते हैं बाहर से भी डाल सकते हैं इंडिया के अंदर भी डाल सकते हैं सिर्फ खुलेंगे एनआरआई इसमें एनआरआई सब सिर्फ खुल सकते हैं मगर डाल सकते हैं इंडियन भी हाँ इंडियन भी डाल सकते हैं एनआरओ में एनआरओ में एनआरओ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना ठीक है हाँ। सर एनआरओ अकाउंट सर एनआरओ अकाउंट फॉरेन वाले फॉरेन में जो रहते हैं जिन्होंने पैसा भेजा उनका इंडिया में सेविंग अकाउंट था उन्होंने कन्वर्ट कराया तो एनआरओ कन्वर्ट करा दिया प्रोडक्ट और जिसने मतलब जिसका खाता नहीं था और उसने डायरेक्टली एनआरआई अकाउंट फ्रेश खोला सही है क्या नहीं जो बाहर से आ रहा है बंदा मतलब उसको पहले स्टेटस एनआरआई का मिल गया जी तो जिसको स्टेटस एनआरआई का मिल गया वो डायरेक्ट एनआरई अकाउंट खोल सकता है जिसका पहले मतलब इंडिया में सेविंग अकाउंट नहीं था उसने सीधा एनआरआई अकाउंट खोल दिया खोल सकता हाँ खोल सकता है ठीक है लेकिन जिसका ऑलरेडी इंडिया में सेविंग अकाउंट था जो अभी उसको उसने फिर सेविंग अकाउंट को ही एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करा दिया तो वो एनआरओ अकाउंट हो गया वो एनआरओ हो गया लेकिन वो एक एनआरई अकाउंट भी खोल सकता है साथ में अच्छा ठीक है सर ठीक है और एक चीज और एनआरओ अकाउंट कन्वर्ट किया नहीं जाता ऑटोमेटिक हो जाता है जैसे ही आप उसका स्टेटस चेंज करेंगे ना अपने कंप्यूटर पर हाँ सर आप बोलेंगे अब ये एनआरआई हो गया तो उसका जितना भी डिपॉजिट होगा वो सब एनआरओ में ट्रीट हो जाता है सीआईएफ में चेंज करने से वो हाँ सीआईएफ में चेंज करने से हो जाएगा ठीक है ठीक सर चलो सर एनआरओ अकाउंट में कोई दूसरा ही पैसा जमा कर सकता है क्या कोई भी कर सकता है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी अकाउंट है उसका नाम ही ऑर्डिनरी अकाउंट है इन शॉर्ट बताने से सर कोई इंडिया का बंदा अगर पेंशन लेता हो और कोई बाहर उसका बेटा बेटी पढ़ रही है कोई जॉब पर है वहां चला जाए तो उसको एनआरओ अकाउंट खोलना है फिर से बोलना मतलब सर कोई अगर इंडिया में 60 साल से ऊपर हो गया उसको पेंशन मिल रहा है 60-70 हजार का कुछ भी अमाउंट का पेंशन मिल रहा है
और अपना बेटा बेटे के पास कोई बाहर चला गया, कनाडा यूएस में चला गया, तो उसको इंडिया का पेंशन वहां मिल जाए, उसलिए वो एनआरओ अकाउंट खुला लेगा। नहीं नहीं देखो, वहां जो खुलाएगा ना उसको हम ये डेफिनेशन नहीं देते हैं, उनके वहां पता नहीं क्या डेफिनेशन होगा। नहीं सर, उसको तो पैसा इंडिया से मिलना है, तो इंडिया से मिलना है तो इंडिया से बाहर जाएगा तो उसने जो वहां अकाउंट खुलवाएगा उसमें जाएगा ना। सर कैमरा रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग आ गया। तो सर फिर वो जब बाहर जाएगा तो वहां कैसे पैसा उसका मिलेगा कैसे, क्योंकि वो पेंशन पे जी रहा है अभी। किसको बाहर पैसा कैसे मिलेगा? हाँ मतलब इंडिया का बंदा अगर कोई परमानेंटली सेटल, परमानेंटली नहीं बोल सकते, मतलब बाहर जा रहा है अभी और पैसा उसको वहां चाहिए, तो यहाँ से पैसा का सोर्स इंडिया का है ना, तो यहाँ से रेमिटेंस कर देगा, वो उस कंट्री में जाके चला जाएगा जो अकाउंट होगा उसका, क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो सर उसमें एनआरओ एप्लीकेबल नहीं होगा ना? ना उस कंट्री में जो नाम बोलते होंगे वो एप्लीकेबल होगा उस, ये तो हम बात कर रहे हैं, हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। वो तो नवंबर में आई जाएगा, रेमिटेंस करवा सकता है वहां, जो अकाउंट ओपन कर लिया उसमें जाएगा, पेंशन होल्डर उनकी कंडीशन होगी। नवंबर में तो अपने आप प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। आप साइलेंट होइए थोड़ी देर। सर इनका कहने का मतलब है, हमको जहां तक समझ में आ रहा है, कि जो पेंशनर है यहाँ पे, वो अगर अपना बेटा के साथ अब्रॉड में सेटल हो गया तो वो पेंशन लेने के लिए कौन सा अकाउंट यूज करेगा इंडिया में? इंडिया में एनआरओ यूज करेगा, सिंपल भी यूज कर सकता हूँ। ओके सर, ओके सर। अरे आप, मैं बताता इसका रीजन बताता हूँ। आपने देखा होगा आपके गाँव में या कहीं पर भी सिंपल अकाउंट में भी बाहर से पैसा आता है। बिल्कुल सर, मतलब वो यस सर आता है, फॉरेन बैंक का चेक आता है एक, आप उसे इंडियन रुपीज में डाल देते हो, लेकिन उसका सिंपल अकाउंट है। इसका लॉजिक ये है कि लोग अपना अकाउंट एनआरओ में क्यों कन्वर्ट कराते हैं? कोई आंसर दे सकता है मेरे को? ट्रांजेक्शन इसलिए कराते हैं तो कि अगर वो चाहें तो उस पैसे को बाहर यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, $1 million तक वो बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी $2.5 lakh तक कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं 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 है। नो सर, आपने देखा होगा कि जब हम इसको बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS में आप पैसा बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा पैसा ले जाना है तो आप इन्हीं अकाउंट से ले जा सकते हैं। और एनआरओ से कितना ले जा सकते हैं? तो $1 million, $1 million, $10 lakh तक ले जा सकते हैं आप, जबकि नॉर्मल से कितना ले जा सकते हैं? $2.5 million $2.5 million $2.5 lakh तो वो अलग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब आपको? यस सर, यस। चलो अब बात करते हैं हम आरएफसी की। हाँ, अब बात करते हैं आरएफसी की, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, यानी वो रेजिडेंट है। आप कोई भी, किसी को भी बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है तो वो फॉरेन करेंसी में रख सकता है, लेकिन कौन से अकाउंट में रखेगा? करेंट अकाउंट। जरा एक मिनट रुकिए, जरा बैटरी बदल लें। चलो जब तक बैटरी ढूंढते हो तब तक बात करते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि वो फॉरेन से, कौन बोल रहे?
तो आरएफसी अकाउंट को सुनिए, आरएफसी अकाउंट कोई भी इंडियन है उसको फॉरेन करेंसी में बैलेंस रखना है वो आरएफसी अकाउंट खोल सकता है, लेकिन ये जो अकाउंट है करंट अकाउंट नेचर का खुलता है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आप उसमें पैसा रख सकते हैं फॉरेन करेंसी में, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो भी आप फॉरेन करेंसी में क्यों रखना चाहते हैं, कोई आंसर कर पाएगा? कन्वर्टेबिलिटी अवॉइड करने के लिए, इमीडिएट ट्रांजिशन, जैसे लोग शेयर मार्केट होता है ना ऐसे ही लोग फॉरेन करेंसी को भी अपने पास रखते हैं, उन्हें उम्मीद है कि 10% बढ़ जाएगा एक महीने में तो रख लेंगे अपने पास, और जब जरूरत नहीं होगा तो, या उनको फ्यूचर में फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो भी वो रख सकते हैं, ठीक है। अभी जो है कुछ लोग लेफ्ट क्यों हो रहे हैं, दो लोगों को राजलक्ष्मी और वो, कहीं जाना है क्या? ऐसे चलेगा तो कैसे होगा? अब बात आती है, बात हमने कही थी कि जॉइंट वाले की बात, यहां पर एनीबडी जॉइंट हो सकता है, क्यों हो सकता है एनीबडी जॉइंट? रेजिडेंट, क्योंकि ये तो रेजिडेंट वाले का ही है, जब खोलने वाला ही रेजिडेंट है तो जॉइंट भी रेजिडेंट के साथ हो सकता है, ठीक है। नॉमिनेशन का रूल सबके साथ वही है, ठीक है। सोर्स इसमें क्या होगा? अब्रॉड, ठीक है। और इसकी जो रिपेट्रिएबल है वो क्या होगा? खोल, क्योंकि आई बाहर, बाहर से पैसा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरएफसीडी, ये भी सेम नेचर का अकाउंट है, लेकिन आरएफसीडी यानी कि डोमेस्टिक। सर आरएफसी में टीडीएस टैक्स, आरएफसी में टीडीएस फॉरेन करेंसी इनकम में शायद नहीं होगा, इसमें क्लियर नहीं है मेरे को। अच्छा इसमें तो करंट अकाउंट खुला हुआ है ना, तो नहीं होगा। अच्छा अब इसका जरा एक सेकंड मैं इसका थ्योरी खोलता हूं आपको, ये जो बुक में हम लोग ले रहे हैं अभी सीआईबी का बुक है, इसको हम अलग से जो एक सेपरेट क्लास होगा उसमें रीड आउट करेंगे, अभी आज की क्लास जो है जेआईबी और बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के है। एफआरआरओ क्या होता है? एफआरआरओ, एफआरआरओ मैंने सुना नहीं सर, आपने जो पेज स्क्रॉल किया ना वहां पर ही मैंने भी सुना नहीं, देखा देखा भी नहीं। ये आरएफसी अकाउंट आपके में देखना बुक में कहां पर है, कोई स्टूडेंट बताएगा? आरएफसी अकाउंट पेज नंबर 55 पर, 55 पर नहीं, ये तो एफसीएनआर है, आरएफसी आरएफसी उसका फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ऐसा कुछ है। नहीं एक बार बुक में दिखाई, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूं आपको उसमें, एक तो इसमें ये जो सब अकाउंट है, कुछ अकाउंट यहाँ कुछ अकाउंट कहीं अलग अलग दे रखे हैं ना, एक लेक्चर में हमने सब बताए थे कौन कौन से पेज पर हैं, ये मिल गया 163 पेज पर है, 163 पेज पर है रोल ऑफ एक्जिम बैंक। तो इसमें एक लाइन रीड आउट कर रहा हूं, अभी सामने डिस्प्ले नहीं है आपके, इसमें लिखा हुआ है आरएफसी करेंसी अकाउंट, लिखा है रिटर्निंग इंडियन हु वर नॉन रेजिडेंट अर्लियर एंड आर नाउ रिटर्निंग टू इंडिया फॉर परमानेंट सेटलमेंट। तो एक चीज यहां मेरे से मिस हो गई थी,
सर आप मेरे दिमाग को एग्जांपल बोल दीजिए, सबका दिमाग में रहेगा। हाँ वाला बोलता हूँ, बोलता हूँ एक सेकंड उसको आने दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, मैं जब उसको डी पढ़ा तो मैंने कहा वो मिस हो गया मुझे। हाँ इसमें है थोड़ा सा ये रिवर्सिंग हो गई। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दे दिया ये आरएफसी डी का दे दिया, ये सारा चेंज कर लेना थोड़ा सा आप लोग। ये जितनी मैंने कहानी आपको बताई है आरएफसी डी की थी, और आरएफसी डी में क्या है, नेवर गॉन एब्रॉड, वो कभी वो एनआरआई कभी हुए ही नहीं, ना ही वो एब्रॉड गए। उनकी जो इनकम है वो ऐसे आ सकती है जैसे उन्होंने किसी कंपनी में यहाँ काम किया, इंडिया में ही किया, लेकिन इंडिया वाल इंडिया में वो कंपनी जो है बाहर की है, तो जब वो पेंशन आया तो बाहर से भेजते हैं पैसा, वो बंदा कभी भी बाहर नहीं गया। तो आरएफसी डी में क्या है, आरएफसी डोमेस्टिक, यानी वो कभी भी इंडियन जो है बाहर गया ही नहीं, इंडिया में है लेकिन उसके पास पैसा आ रहा है। वो पैसा उसकी पेंशन का हो सकता है, वो पेंशन उसकी कोई मान लिया उसने कोई इन्वेंशन करी है यहाँ पे, उसकी रॉयल्टी हो सकती है, या जो YouTube वालों की इनकम आती है, जो यूट्यूबर होते हैं उनको भी डॉलर में पेमेंट होता है, वो चाहे तो अपनी इनकम इस RFCD अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है RFC की, जो मैं अभी बता रहा था कि इसमें थोड़ा सा मिस हो गया था। RFC में क्या है, रिटर्निंग इंडियन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिटर्निंग इंडियन। तो जैसा वो एक फिल्म था DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसमें जो अमरीश पुरी होते हैं वो कौन सी कंट्री में रहते हैं, यूके, लंदन यूके में रहते हैं। ठीक है, और वहां उनका एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। ठीक है, और जब वो लड़का परेशान करने लग जाता है तो वो क्या क्या प्लानिंग बनाते हैं, सब कुछ बेच के इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि भैया पंजाब चलते हैं। सुना, देखी थी फिल्म आपने कभी? हाँ सर, कुछ लोगों ने देखी होगी। तो उसमें क्या है कि वो बाहर से सब बेच के इंडिया आते हैं, तो उसमें बोलते हैं रिटर्निंग इंडियन टू सेटल परमानेंटली, टू सेटल परमानेंटली। तो वो बेसिकली उनका स्टेटस पहले कौन सा था, एनआरआई स्टेटस था या पीआईओ स्टेटस था, और वो सब कुछ वहां बेच के इंडिया में सेटल होने आते हैं, तो उनके लिए आरएफसी वाली फैसिलिटी है। जैसे कि वो अमरीश पुरी, अब वो इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर वो फॉरेन में रह रहे हैं तो उनका मकान होगी, दुकान होगा, उनका वहां बिजनेस होगा, पता लगा $10 मिलियन लेके आएंगे वो, तो इंडिया के लिए तो अच्छा हो जाएगा ना। ठीक है, तो वो पैसा जो है इधर वो करते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये जो आरएफसी डी है ऊपर वाला, ये उनके लिए जो कभी बाहर गए ही नहीं लेकिन पैसा डी फॉर डोमेस्टिक। हाँ, और जो इधर वाला जो आरएफसी वाला है उसमें वो लोग हैं जो परमानेंटली सेटलमेंट होने के लिए आते हैं इंडिया में। यस सर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। और इसमें उनको वहां से गिफ्ट भी मिल रहा है, इनहेरिटेंस कुछ भी चीज वहां से ला रहे हैं, वो सब यहाँ पे इंडिया में स्टोर हो रही है उसकी। ठीक है, और आरएफसी डी जो है उसमें केवल वो कुछ समय के लिए अपने करेंसी नोट रखना है, कुछ पैसा आ गया उसका, वो कभी बाहर गए नहीं, वो सिर्फ ये वाला जो है सिर्फ करंट अकाउंट खुलता है आरएफसी डी वाला। ठीक है, और आरएफसी वाला कैसा अकाउंट खुलेगा, वो कैसा भी अकाउंट खोल सकते हैं। क्या उनको बोलोगे $10 बिलियन लाओ करंट अकाउंट में रख लो, बोलो
आप किसी को बोल सकते हो कि $10 million ले आओ बाहर से और यहाँ पे करंट अकाउंट में रख लेना? नहीं सर, नहीं बोल सकते। तो उसके लिए क्या फैसिलिटी दी है? एफडी की फैसिलिटी। सेविंग बैंक नहीं खुलेगा, एफडी। सर सेविंग क्यों नहीं खुलेगा? सेविंग होता ही नहीं, सेविंग फॉरेन करेंसी में इंडिया में कोई भी अकाउंट नहीं है। अगर सर वो फंड यूटिलाइज अगर करना चाह रहा हो तो कुछ मतलब तो एफडी कई सारी बना लेना, एक एक साल की बनाए, एक दो साल की बनाए, पांच साल की बनाए। नहीं यूज अगर करना है सर वो फंड उसको तो वो कैसे करेगा? ब्रेक कर लेगा। अच्छा, ये एनआरओ में फंड पर ट्रांसफर कर लेगा। हाँ मतलब फंड ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है ठीक। अच्छा तो ये हमारे जो है डोमेस्टिक अकाउंट लगभग सारे कवर हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम बिजनेस अकाउंट पे। कौन से अकाउंट पे? बिजनेस अकाउंट में। तो बिजनेस अकाउंट में हमने कौन कौन से अकाउंट बोले थे आपको? EEFC सर, सर एफ आरएफसी डी, कोई लोग जो घूमने जाते हैं वो भी खोल सकते हैं अब्रॉड। हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं, पर एक दिक्कत है, हमने आरएफसी डी के लिए तो बोला वो कभी बाहर जाएगा ही नहीं ना। ओके सर, वो नहीं खोल सकता। घूमने भी नहीं जा सकता? घूमने जाएगा लेकिन वो वहां से घूमने से कहां से पैसा ला रहा है? इंडिया से ही। इंडिया से यहाँ का ही है। घूमने जाएगा तो बिजनेस चल जाएगा वहां पर। नहीं घूमने जाएगा तो कमा के भी लाएगा क्या? नहीं सर। सर हो सकता है ये सब जो वहां घूमने गया और जैसे वो आपने देखा होगा फिल्मों में वो फॉरेन कंट्री में क्या होता है, वहां पे गलियों में लोग अपना डांस वांस करते हैं, लोग उनको पैसा देते जाते हैं। हाँ। है? ऐसे भी ला सकता है। चलो अब बैंक में जाके पूछना पड़ेगा इसके बारे में। सर सर ये सारा अकाउंट का जो एप्लीकेबिलिटी है कहीं कहीं तो ओवरलैप करता है लेकिन कहीं जो थिन मार्जिन है उसको अगर सर सारा का सारा एक एग्जाम्पल से समझा दें, अलग अलग एग्जाम्पल भी यूज करके, तो सर क्लियरली याद रह जाएगा पूरा। ये जो जितने अकाउंट्स थे? हाँ सर, कहीं कहीं पे तो इसका यूसेज ओवरलैप करता है और कहीं कहीं पे उसका डिफरेंस भी पूरा थिन डिफरेंस होगा इसका डेफिनेटली। हाँ तो ये जो थिन डिफरेंस है इसी पे बेस तो केस स्टडी बनाता है। हाँ सर, उसी का सर मतलब एग्जांपल के साथ अगर कर दें तो वो क्लियर हो जाएगा सर। और एज ए ऑनरियम और गिफ्ट फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। देखो ठीक है, RFCD में लिखा हुआ है आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बाई हिम इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स और ट्रेवलर चेक वाइल ऑन ए विजिट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। अच्छा ठीक है, नॉट फ्रॉम बिजनेस और एज एनोरियम ऑफ गिफ्ट। तो RFCD में ये जो अभी क्वेश्चन आपका था RFCD में ये और एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई बंदा बाहर गया है लेकिन वो NRI नहीं हुआ है, वो किसी टेम्परेरी काम से गया हुआ है और उसके पास कुछ फॉरेन करेंसी बच गया और वो चाहता है मैं फॉरेन करेंसी रख लूं, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट खोलेगा? आरएफसीडी। तो वो कभी बाहर गया हो, ठीक है, तो यहां पर जो हमने ये नेवर गॉन अब्रॉड लिखा था यहां पर एक प्लस और लग दिया टेम्परेरी विजिट। क्या लिख दिया? टेम्परेरी विजिट, जो टूरिस्ट विजिट होता टाइप का, टेम्परेरी विजिट गया या कभी गया ही नहीं। ठीक है, तो वो बंदा क्या कर सकता है? शॉर्ट सर, जो इंडियन हो लेकिन एनआरआई ना हो। ठीक है, और आरएफसी में कौन है वो क्या होना चाहिए? या एनआरआई होना चाहिए या क्या होना चाहिए? पीआईओ। पीआईओ आके इंडिया में सेटलमेंट ले सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं ले सकता, उसका तो उसको सिटीजनशिप मिलेगा। क्या मिलेगा? सिटीजनशिप। क्यों नहीं मिलेगा? जब वो रह के इंडिया में आके अप्लाई करेगा, अब अदनान सामी को दे दिया आपने तो उसको भी दे देना। जानते हैं अदनान सामी? यस सर।
उसको मिल गया पाकिस्तान के, जानते हैं सर, जानते हैं पाकिस्तान के हैं ना, तो उन्होंने अप्लाई किया तो दे दिया इंडिया ने बस। ठीक चलो अब बात करते हैं बिजनेस अकाउंट की। पेशेंस से रहिए, बच्चों को बोलिए हमारा पढ़ाई चल रहा है। धर्मेंद्र कुमार जी सबसे पहले ईएफसी की बात करते हैं, एक्सचेंज अर्नर, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये जो अकाउंट होता है, ये अकाउंट एक तरह से जो एक्सचेंज अर्निंग का बिजनेस करते हैं वो लोग खोलते हैं, मनी एक्सचेंजर, या कोई किसी को इंपोर्ट की पेमेंट फॉरेन करेंसी में करनी होती है वो खोलते हैं। और ये अकाउंट जितने भी बिजनेस अकाउंट है, किस टाइप के अकाउंट खोलेंगे सारे अकाउंट? करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस पर्पज से ले। ठीक है, कौन सी करेंसी में? हमने साफ साफ लिखा हुआ फॉरेन करेंसी में। ठीक, तो जितने आपने देखा हुआ जब टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं, तो टूरिस्ट प्लेस में जितने भी लोग मनी एक्सचेंजर होते हैं तो वो डॉलर ले करके आपको एक्सचेंज कर देते हैं। वो चाहे तो उस डॉलर को यहाँ पे इस अकाउंट में डिपॉजिट रख सकते हैं और जब चाहे कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर हो गया सर? और एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, जो टूरिस्ट प्लेसेस में या आपके शहर में मनी एक्सचेंजर होते हैं, आप उनको $500 दीजिए, आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। ठीक है, अब वो जो $500 उनके पास आए वो कहाँ रखेंगे? क्या वो एकदम कन्वर्ट करा लेंगे? करा सकते हैं। और अगर वो एकदम कन्वर्ट नहीं कराना चाहते तो वो किस अकाउंट में रखेंगे? EFC में। और मंथ के 28 पर प्रोबेबली वो जमा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? मंथ एंड में उसको टोटल क्लियर करना पड़ता है। आपने बोला था किसी एक वीडियो में, नहीं फिर से बोलिए बात, क्या क्या करना पड़ता है उसको? उसका जितना पैसा है वो क्लियर करना पड़ता है, यानी डिपॉजिट करना पड़ता है। और उसका कुछ डेट वगैरह है, आपने बोला था किसी एक वीडियो में। हाँ, उसमें ये है कि आपको फॉरेन करेंसी कितना होल्ड कर सकते हैं, उसका रूल है। तो बता सकता है कितना फॉरेन करेंसी आप रख सकते हैं एक समय पे? $2,000 और उसने एक्सचेंज करके अपने वहां $10,000 कर लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो पैसा जमा करना होगा 180 दिन के अंदर। ठीक है, मतलब $2,000 तक तो अपनी पॉकेट में रख सकता है, उससे ज्यादा पैसा उसे जमा करना पड़ेगा या कन्वर्ट कराना पड़ेगा, या जमा करना पड़ेगा या कन्वर्ट। और जमा कराना या कन्वर्ट कराने का मतलब है आरबीआई को पता लग जाएगा कि इतना फॉरेन करेंसी मेरे पास आज का डेट में है। ठीक, दूसरा अकाउंट है डीडीए, दूसरा अकाउंट है डीडीए, डायमंड डॉलर अकाउंट। तो जो गुजरात है, गुजरात में कई सारा व्यापारी है, वो डायमंड को फिनिश करने का काम करता है। तो डायमंड डॉलर अकाउंट 5 करेंसी में खोल सकते हैं। ठीक है, और जिनका टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा है, 3 करोड़ और से ज्यादा है, वही लोग खोल सकते हैं 3 करोड़ टर्नओवर वाला। और 5 करेंसी में, यानी उसने 5 अकाउंट खोल लिए, एक अमेरिका के लिए खोल लिया, एक इंग्लैंड के लिए खोल लिया, एक जर्मनी के लिए खोल लिया, एक जापान के लिए खोल लिया, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए खोल लिया, क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग है वो इन 5 कंट्री, किसी भी 5 कंट्री में करेंसी में हो सकता है। तो वहां से जो पैसा, जब वो उनको पैसा देते हैं तो वहां से डेबिट कर सकते हैं, उनसे पैसा लेते हैं तो उनका क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, अगला आता है ओएफसी अकाउंट, ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा अकाउंट है। जैसे आप चाइना से ट्रेड करते हैं और चाइना गए, चाइना बिजनेस विजिट में गए और आपको वहां पर कुछ परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे? चाइना में ही अकाउंट खुलवा लेंगे एक, और उसका चेक ₹2,000 का काटेंगे और वहां के सेलर को दे देंगे जिसने आपको आइटम भेजा। ठीक है,
ये बहुत समझ में आया सर। ओएफसी का जो अकाउंट किसी इंडियन बैंक में ओपन करना है या कोई चाइना नहीं, नहीं, में? नहीं, मैंने बोला ना चाइना में है, चाइना में तो है, ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट ओवरसीज। सर वो समझा, मगर ओएफसी का जो अकाउंट इंडियन किसी बैंक का ब्रांच में होगा या कोई चाइना? नहीं नहीं, वही होगा, वही बाहर, वही चाइना में। मान लिया एचएसबीसी बैंक है, मान लिया आप वहां जाते रहते हैं, हर महीने में दो बार जाते हैं, तो आपको बार बार पैसा कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, वहां जाके अकाउंट खोल लेंगे और वहीं से परचेजिंग करेंगे और वहीं के चेक से पेमेंट कर देंगे उनको आप। नहीं तो सर ये चेक तो ये ओएफसी इशू करता होगा ना सर? हाँ वो वाला बैंक इशू करेगा। हाँ मगर सर ये ओएफसी जब दूसरा कंट्री का ये है तो वो हम या मैंने हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रिलेशन क्या है ना, इसका रिलेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक बताते हैं, एक मिनट सर। फॉरेन जाके इंडियन बैंक में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं ओएफसी में? ये है, आप बिजनेस पर्पस से जब फॉरेन जा रहे हैं, ठीक है, और आप जब फॉरेन जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं या इंपोर्ट के लिए जाते हैं? इंपोर्ट के लिए जा सकते हैं दोनों के लिए, एक्सपोर्ट के लिए दोनों के लिए जा सकते हैं सर, दोनों के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसा काम का एक्सपोर्ट करते हैं जिसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है, आप चाइना से अंगूर मंगाते हैं, मान लिया आप चाइना गए, वहां वहां के खेतों में गए और वहां पे जो है 5-6 ट्रक आपने अंगूर वो ले लिया, अब उनको पेमेंट करना है, तो आप इंडिया का स्टेट बैंक का चेक देने लग गए, तो वो क्या कहेंगे, नमस्ते नमस्ते, आप किसी को फोन पे कर रहे हैं या हमें? नहीं नहीं, वो इंडिया को जो चेक देंगे उसको नमस्ते कहेंगे। समझिए समझिए, मजाक कर रहा था मैं। हाँ तो वो कहेंगे नमस्ते भैया, हम आपको अंगूर नहीं दे सकते, हमें तो इंडिया वो चाइना का चेक दो। ठीक है, तो उन्होंने चाइना का चेक काट के दे दिया, अंगूर आपके वहां आ गया, आपने उसका जो भी बनाना था जैम मुरब्बा वाइन जो बनानी थी बनाई और उसको फिर एक्सपोर्ट किया। तो कई सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस्ड होते हैं, मींस उसका रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं उसी के बाद वो एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट ये? लेकिन सर अगर वो SBI अपना चाइना वाली ब्रांच का देगा SBI का चेक तो वो भी OFC में आएगा क्या? उससे भी हो जाएगा सर, वो हो जाएगा सर, इंडियन एक्सपोर्टर ही या इंपोर्टर गया चाइना? नहीं नहीं और नहीं, नहीं इसमें अपना अकाउंट है। सुनो सुनो, मैं समझ गया, इनका क्वेश्चन ये है कि मेरा मतलब थीम ये है कि वो बैंक वहां पे एस्टेब्लिश होना चाहिए, उसका ब्रांच वहां होना चाहिए, उसका चेक वही क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो उसी करेंसी में मेंटेन होगा वो अकाउंट उस कंट्री की, जिस करेंसी में आप जा रहे हो उसी करेंसी, उसी कंट्री की करेंसी में वो अकाउंट मेंटेन होगा। बिल्कुल सर, ओएफसी अकाउंट किसी भी कंट्री में ओपन करा सकते हैं अपन, जिस कंट्री में परमिशन होगी उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कि वो आपको अकाउंट खोलने देगी या नहीं खोलने देगी। जैसे आपके पास कोई अमेरिकन आ रहा है तो आप उसका खाता खोलने में कौन सा खाता खोलते हो? NRI अकाउंट खोलते हैं। NRI नहीं, वो तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन। अरे भाई कोई अमेरिकन आपकी कंट्री में आया तो आप उसका कौन सा खाता खोलेंगे? NRO तो आपने अपने वो बना रखा, ऐसे फॉरेन ने बना रखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, SNRR। SNRR अभी पहले नहीं था, पुरानी बुकों में नहीं था, नई बुकों में आया है। ये क्या है, आपका इस अकाउंट का रिवर्स है। रिवर्स है, कैसे रिवर्स है? देखो ये है इंडिया, ये है चाइना। अगर इंडिया का बंदा यहां जाके अकाउंट खोलेगा तो उसको बोलते हैं OFC अकाउंट, और चाइना का बंदा इंडिया आके खोलेगा उसको बोलते हैं SNR। सर फुल फॉर्म क्या होगी सर इसकी? स्पेशल नॉन रेजिडेंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। अच्छा, स्पेशल नॉन रेजिडेंट, ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। ठीक है,
एनआर यानी एनआर का मतलब कौन है एनआर, चाइना से आया हुआ, इंडिया का नहीं है बंदा, एनआर या फॉरेन जो भी कुछ है, लेकिन इसका पर्पज क्या होगा, बिजनेस, बिजनेस स्पेशल इंटरेस्ट इन बिजनेस, और करंट अकाउंट खुलेगा बिजनेस पर्पज, कौन सी करेंसी में खुलेगा, रूपी, रूपी में खुलेगा, इंडियन करेंसी। अब हाँ, मान लिया कोई चाइना से इंडिया व्यापार करने आएगा और इंडिया के मार्केट में जाएगा, तो वहां पेमेंट किस में देगा, सबको रुपी में देगा, जैसे जब इंडिया वाला चाइना गया था तो चाइना वालों ने बोला था हमें चाइना का चेक दो, ऐसे ही चाइना जब इंडिया में आएगा, हिमाचल प्रदेश से एप्पल लेके जाएगा, तो वो उसी तरह से इसको करेगा। ठीक है, तो एस एन आर आर भी क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं नॉस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो। है कब तक रहेगा, करंट अकाउंट है, चलता रहेगा जब तक वो बिजनेस ट्रेड करेगा, जब तक वो बिजनेस ट्रेड करना चाहेगा तब तक कर सकता है। बिजनेस वाले सारे करंट अकाउंट ही रहेंगे ना सभी, हैं बिजनेस वाले सारे करंट अकाउंट ही रहेंगे तो। हाँ, बिजनेस वाले सारे करंट अकाउंट है। अब हम बात करते हैं नॉस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो, इसको ध्यान से देखिएगा, वैसे आप लोगों को काफी आता है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। सर इसमें एसएनआरआर में जो एक पूछा ना जे इसका वैलिडिटी, उसका शायद 7 इयर्स या कुछ ऐसा कुछ नहीं, करंट अकाउंट का तो नहीं होगा, वो तो ट्रेड जब तक करता रहे। सर वही 4D वाला देखिए किताब में, the tenure of the SNRR account should be on current to the ten, कौन सा पेज नंबर क्या है इसका, 56 ये जो थ्योरी ये अरिंदम जी बता रहे हैं, ये हम लोगों को आपके साथ पढ़नी है एक बार, है कौन सा पॉइंट है सर, डी 4D, The tenure of the NSR account should be concurrent to the tenure of the contract period operation of business. हाँ लिखा तो है, और of the account holder and in no case should exceed 7 years. No operation are permissible in the account after 7 years from the date of opening of the account. Tenure of the contract period of operation in the business of account holder. अच्छा ठीक है, इसमें एक 7 ईयर का क्लॉज दिया हुआ है एसएनआरआर अकाउंट में, 7 ईयर का क्लॉज दिया हुआ है, जो जेआईबी वालों हैं, जेआईबी वालों के लिए इतना डेप्थ नहीं पूछता है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ थ्योरी को। ठीक है, तो सीआईबी वाले जो बुक का कंटेंट है वो आपके साथ अलग से पढ़ेंगे, जेआईबी वालों को मत डराओ कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ, इंडिया में एसबीआई बैंक है, यूके में कौन सा बैंक है, एचएसबीसी, ऑस्ट्रेलिया में एएनजेड ग्रिंडलेस बैंक है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, एसबीआई क्या करता है, एसबीआई अपने वहां अकाउंट खोलता है, पीएनबी का खोलता है, सिटी का खोलता है, और आपका एचएसबीसी का खोलता है, एएनजेड का खोलता है, इस तरह से, ऐसे ही एचएसबीसी भी अकाउंट खोलता है, एसबीआई का खोलता है, एएनजेड का खोलता है, सिटी का खोलता है, और ऐसे ही एएनजेड भी एसबीआई का खोलता है, सिटी का खोलता है, और पीएनबी का खोलता है, और आपका एचएसबीसी का खोलता है। ठीक है, ये इंटर कंट्री है, ये अलग अलग कंट्री मैंने ली है यहाँ, तो अलग अलग कंट्री में लोग अपने अपने अकाउंट हर बैंक में खोलते हैं फॉर द क्लियरिंग पर्पज। ठीक है, अगर एसबीआई इसमें कस्टमर नहीं है, एसबीआई बोलेगा, एसबीआई बोलेगा डिपॉजिट इन अकाउंट विद यू, ये किसको बोल रहा है, एचएसबीसी को बोल रहा है। सर रिकॉर्डिंग, सर
तो एसबीआई किसको बोल रहा है? एचएसबीसी को बोल रहा है कि जो मेरा ये अकाउंट है ये वाला, यहाँ पर अकाउंट भी 5 लाख डॉलर डाल दो, क्रेडिट कर दो। तो वो इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलता, वो सिर्फ बोलता है कौन से अकाउंट में, नोस्ट्रो नोस्ट्रो फंडिंग, यानी माई अकाउंट विद यू। वो कहेगा काइंडली क्रेडिट 5 लाख डॉलर इन माई नोस्ट्रो अकाउंट। तो जैसे ही एचएसबीसी को नोस्ट्रो अकाउंट बोलेगा वो, तो एचएसबीसी को पता है उसी के वहां जो अकाउंट है एसबीआई का, वो उसमें क्रेडिट कर देगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा जरूरत क्यों पड़ा? एसबीआई को 2 घंटे बाद वही पेमेंट करना है उसी कंट्री में, तो अपने वहां क्यों मंगाएगा? अपने वहां मंगाएगा तो उसमें करेंसी एक्सचेंज लग जाएगा। ठीक है, तो वो पैसा वहीं रखता है और वो एचएसबीसी उसी अकाउंट में उसका पैसा डाल देता है, और एसबीआई इस पैसे को बाद में किसी को 2 लाख डॉलर पेमेंट करना, किसी को 1 लाख करना, किसी को 1 लाख करना, किसी को 1 लाख, इनको सबको पेमेंट वहीं का चेक काट के दे देता है। तो करेंसी एक्सचेंज नहीं हुआ। देखिए आप इसमें करेंसी एक्सचेंज रिस्क, करेंसी एक्सचेंज चार्जेस से बचने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट, एसबीआई बोल रहा योर अकाउंट विद अस। ठीक है, वो कहता है अभी भी, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी भी वो किससे कह रहा है? एचएसबीसी से कह रहा है, और इसको नाम दिया उसने वॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो, उसने कहा कि योर अकाउंट विद अस काइंडली क्रेडिट कितना रुपीज, 5 लाख डॉलर इक्विवेलेंट टू रुपीज। तो जब वो एचएसबीसी इंडिया में पैसा भेजेगा, इस अकाउंट में डालेगा, तो क्या डालेगा? रुपी डालेगा। ठीक है, और इधर डाल रहा था वो क्या डाल रहा था? डॉलर, डॉलर, जो भी फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो जो वॉस्ट्रो अकाउंट होता है वो दूसरी कंट्री में होता है। ठीक है, एक मिनट सर। हाँ सर, दूसरी कंट्री में होता, नोस्ट्रो तो दूसरी कंट्री, नोस्ट्रो रहेगा ना दूसरी कंट्री में, वॉस्ट्रो तो, हाँ ऐसा कह सकते हैं, उसके लिए दूसरी कंट्री में होता है। ठीक है, हाँ वो दोनों तरफ से मान लो, एसबीआई के लिए नोस्ट्रो दूसरी कंट्री में और वॉस्ट्रो अपनी कंट्री में। ठीक है, यस सर। अब आती है बात लोरो की। इस स्टेटमेंट में भी एसबीआई ही कहेगा, क्या कहेगा एसबीआई? श्वेता देखो, क्रेडिट इन ऑस्ट्रेलिया इन एच एस इन सिटी बैंक अकाउंट, उस कंडीशन में कहेगा किससे? ये यूके, मैं एचएसबीसी को, एचएसबीसी से ही कह रहा तीनों सेंटर, और एचएसबीसी क्रेडिट कहां करेगा? सिटी, सिटी बैंक में। कौन से करेंसी में करेगा? फॉरेन करेंसी में। ठीक है, क्योंकि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में पेमेंट करना है इस समय। ठीक है, उसको बोलते हैं दे आर अकाउंट विद देम। सर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया विद में, देम, हाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर इंडिया का नोस्ट्रो अकाउंट है, एसबीआई का नोस्ट्रो अकाउंट है, तो वो वहां पर क्यों नहीं डाल के लोरो अकाउंट में डाल रहे? मैंने ये अकाउंट क्लोज कर दिया, नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात? नोस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो। तो आज की ये जो क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट वाली,
अगर आपने क्लास देखी तो, सर लोरो वाला, सर लोरो वाला फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लोरो वाला सिंपल है कि आपने फोन किया, आप स्टेट बैंक में हैं, आपने फोन किया एचएसबीसी को, एचएसबीसी को फोन किया कि ये जो पैसा है ऑस्ट्रेलिया के सिटी बैंक में डाल दो। देयर अकाउंट एचएसबीसी जो अच्छा ऑस्ट्रेलिया में फोन किया हमने ना सर, नहीं एचएसबीसी को फोन किया, यूके, यूके में किया, यूके में कहा ये जो पैसा है मेरे वहां पड़ा हुआ है उसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया के, हाँ एचएसबीसी के इस बैंक में डाल दो। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन जो नॉस्ट्रो अकाउंट जो ओपन है यूके में, तो उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है ना? नहीं खोला उसने। अच्छा। आप ये बताओ कि आपके बैंक अकाउंट, आपकी ब्रांच के सारे अकाउंट हर बैंक में खुले हुए हैं क्या? नहीं है सर, कोई जरूरी नहीं है, जैसी जरूरत होती वैसे ही। और फॉरेन में प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेन में कोई भी बैंक अकाउंट खोलेगा तो फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो इसको बोलते हैं करस्पोंडेंट बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सर ये यूके ने ऑस्ट्रेलिया में लोरो अकाउंट खोला हुआ है? नहीं, हम इसको नहीं। कभी भी इस तरह नहीं बोलेंगे, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि एचएसबीसी अपने लोस्ट्रो अकाउंट में डाल दो, वोस्ट्रो अकाउंट में डाल दो। इसको ये बोलेंगे एचएसबीसी को कि आप जो ये पैसा उस कंट्री के उस अकाउंट में डाल दो। अच्छा सर, सर ऐसा तो, ऐसा भी तो हो सकता है अगर एलसी में, अगर ऑस्ट्रेलिया में एसबीआई के अकाउंट हो भी, तब भी देखा जाए कि दूसरी अकाउंट का जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर का कॉरेस्पोंडेंस सिटी बैंक से है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, उस वक्त तो हम ओपनिंग बैंक वाले शायद ऐसा पकड़ ले कि इंडिया का एसबीआई इसका ओपनिंग बैंक है। रिइंबर्समेंट जो करते हैं ना हम लोग, हाँ, हाँ, रिइंबर्समेंट हो सकता है के लिए सिटी में पैसा डाल दे, जैसे कि वो भेज सके। मतलब कुल मिला के ये है कि आपको फंड कहाँ चाहिए, तो जहां फंड चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को वो करते हैं, उनको उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप फंड जो है यहाँ डाल दीजिए, वहां डाल दीजिए ना, ये सब कुछ आप वो करते हैं। क्योंकि सर रेड क्रॉस जब डाला जाता है तब तो उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। हाँ, वो एक अलग डेप्थ की बात अलग है, लेकिन अभी जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, जब थ्योरी पे आएंगे तो कुछ और चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है सर, आज का हमारा जो क्लास का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का था वो ये इन्हीं चीजों का था। और आप लोग अब जो इवनिंग में क्लास है वो जेआईबी का क्लास है, जो कल वाला चैप्टर था उसे कंप्लीट करेंगे। 8:30 पर सीआईबी का आज हेयर कट का न्यूमेरिकल्स का होगा, आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग अटेंड करिएगा। अभी भी कुछ लोग स्ट्रेंथ में नहीं आ रहे हैं, जितने लोगों ने कोर्स बाय किया हुआ है क्लासेस में पूरे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब अगले बार करेंगे सर, अभी नहीं तो सर अभी नहीं, ये सर कल रात के लिंक भेज देंगे आप दोबारा इस ग्रुप में। सर रात में जो क्लास होगी वो कल का जो लास्ट हुआ था उसके बाद से स्टार्ट होगा। आज की क्लास अपडेट हो जाएगी अभी सर, आज क्या चीज, आज की क्लास अपडेट हो जाएगी ऐप में, कल तक की तो कर दिया अभी हो जाएगी, 10-15 मिनट में हो जाएगी। चलिए सर ठीक है, उनसे थोड़ी देर छूट गया था मेरा। अच्छा एक चीज और मैं कह रहा था कि ये जो जूम वाले मेंबर्स हैं उनके लिए जो क्लास है वो जो YouTube का लिंक देते हैं उस पे भी मिलती है और ऐप पे भी डल जाती है, तो अगर कभी ऐप में कोई प्रॉब्लम होती है तो उन लिंकों को आप संभाल के रखिए, सारे जो लिंक भेजते हैं ना शेयर करते हैं कहीं एक फाइल में कॉपी कर लीजिए आप। जो कल रात सर, सर जो जो क्लास थी ना आपने जो कल रात क्लास दी थी सर, उसका लिंक भेज दीजिए दोबारा YouTube का, वो नहीं मिल रहा मुझे कल रात वाला। कल रात का ग्रुप में कल रात तो सर जेआईबी का था, सीआईबी का नहीं, वो लिंक जो है एक ही साथ आया था, उसमें जितनी डे भर की पूरा क्लास थी ना। अच्छा, एक ही साथ भेजे थे हम सुबह है सर, कल 8:30 का क्लास का सर कोई लिंक नहीं था YouTube का सर, 8:30 का तो जेआईबी का क्लास था, सीआईबी का नहीं था, नहीं था। अरे ऐसा कैसे हो गया, सीआईबी का था, सीआईबी सर। हेलो, 8:30 का किसका क्लास था, जेआईबी का क्लास था, सीआईबी का नहीं था सर। सर एक सेकंड रुको, मैं जरा YouTube पर 6:30 से था ना कल शाम को, ऐप पर भी मिल जाती है लाइव क्लास क्या सर ये? एक मिनट रुको जरा, एक मिनट। हाँ सर।
YouTube वालों को जरा मैं थैंक यू बोल दूं। हेलो हाँ आप बोलिए क्या कह रहे हैं आप सर सर